बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टेस्टी और डिलीशियस और बहुत ही इजी वेजिटेबल स्प्रिंग रोल रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। ऑयल शामिल करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। लहसुन पेस्ट डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून और अदरक पेस्ट इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। लहसुन अदरक को हम फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट। तो ये देखें, लहसुन अदरक मैंने फ्राई कर लिया है, मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको कुक किया है। प्याज ली थी 1 अदद बड़े साइज़ की, इसको मैंने स्लाइसिस में चॉप कर लिया है। ये हम ऑयल में ऐड कर देंगे और इसको भी हम 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। इसका कलर चेंज होने तक, हल्का सा इसका कलर चेंज करना है, गुलाबी नहीं करना हमें इसको। तो ये देखें, प्याज का कलर चेंज हो चुका है। हरी मिर्च ली है 1 अदद, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये छोटी वाली हरी मिर्च है, अगर आपको हरी मिर्च पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्च को हम कुछ सेकेंड के लिए कुक कर लेंगे। अब इसके अंदर हम गाजर ली है 1/2 कप, इसको मैंने जूलियन में कट कर लिया है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे पैन में और इसको हम प्याज के साथ कुक कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट। तो ये देखें, गाजर को भी कुक कर लिया है मैंने प्याज के साथ मिक्स करके। अब इसके बाद इसमें हम बंद गोभी ली थी मैंने 1 कप यानी 100 ग्राम, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम गाजर और प्याज के साथ मिक्स करके कुक कर लेंगे गोभी को 1 से 2 मिनट। तो ये देखें, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके बाद इसमें शिमला मिर्च ली है मैंने 1 कप, ये मेरे पास रेड कलर की थी थोड़ी सी शिमला मिर्च, तो मैंने वो भी इसमें कट कर लिए, जुलियन में कट कर लिया है। इसको ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। इसके अलावा वॉस्टरशायर सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून। नमक शामिल करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। काली मिर्च पाउडर लिया है 3/4 टीस्पून, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स करके 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो ये देखें, 2 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए, मॉइस्चर इसका ख़त्म हो चुका है यानी कि इसमें पानी नहीं है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये हरी प्याज का मैंने ग्रीन पार्ट लिया है यानी हरा हिस्सा, यह हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हम ठंडा कर लेंगे। चलिए, वेजिटेबल्स हमारी ठंडी हो रही है, जब तक हम इसके लिए ग्लू रेडी कर लेते हैं यानी लई तैयार कर लेते हैं रोल को सील करने के लिए। एक बाउल ले लिया है, मैदा शामिल करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून और पानी लिया है हसब ज़रूरत। इसको हम मैदे में शामिल करके इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। रोल को सील करने के लिए हम इसका ग्लू रेडी कर लेते हैं। तो ये देखें, ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसके रोल तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, स्प्रिंग रोल शीट लेंगे, इसमें हम स्टफिंग रखेंगे बीच में 2 टेबल स्पून और इसको हम टाइटली जो है रोल अप कर लेंगे। ये देखें, इस तरह 3 टाइम्स आपने इसको पहले रोल करना है और फिर इसके कॉर्नर्स पे हम ग्लू लगाएंगे यानी लई जो हमने बनाई है, ये देखें इस तरह, और इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे और फिर इसको दोबारा से हम ऊपर की तरफ रोल अप कर लेंगे। और जो हमारा कॉर्नर रह गया है इसके ऊपर हम ग्लू लगाएंगे, ये देखें यहाँ पर, और अच्छे तरीके से रोल को सील कर देंगे। ये देखें इस तरह, यह रोल हमारा रेडी हो गया है। ये देखें, इसी तरह मैं तमाम रोल रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखें, रोल हमारे रेडी हो गए। आप इस टाइम इसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। इस बॉक्स के अंदर हम इसको इस तरह रख लेंगे और इसको कवर करके आप फ्रीज़र में 3 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं ईज़ली। तो चलिए, अब हम वेजिटेबल स्प्रिंग रोल की फ्राइंग की तरफ चलते हैं। एक पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन करेंगे, ऑयल शामिल करेंगे इसमें फ्राइंग के लिए। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम वेजिटेबल स्प्रिंग रोल ऐड कर देंगे 1 बाय 1 और इसको मीडियम फ्लेम पर हम क्रिस्पी और खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से 1 साइड से कलर आ चुका है, दूसरी साइड से अभी हम इसको इसी तरह गोल्डन कलर दे देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो ये देखें, दोनों साइड से कलर आ चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसका एक्सेस ऑयल रिमूव कर देंगे। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी टेस्टी और डिलीशियस वेजिटेबल स्प्रिंग रोल रेडी है।
आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपना फ़ीडबैक दें, रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ शेयर करें। दुआ है अल्लाह ताला आपके खानों में, जायकों में, कारोबार में, सेहत में आसानियाँ और बरकतें अता फरमाएं, आमीन। अगली रेसिपी तक इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।